हमारे शरीर में एक घड़ी होती है जिसे बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है। जब आप निश्चित समय पर काम करने की आदत डाल लेते हैं तो आपका शरीर और दिमाग उसी अनुसार ढल जाता है। मैं जहाँ पढ़ाई करता था उस स्कूल में मेरे कई दोस्त थे जो मुझसे ज्यादा टैलेंटेड और ज्यादा इंटेलिजेंट थे, पर आज मैं उनसे ज्यादा सफल हूँ क्योंकि सारा खेल दिमाग का है। अब ये मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं कि आप लोग जानते हैं कि कई स्टूडेंट 10-10 घंटे पढ़कर भी 60-70% ही बना पाते हैं, तो कई लोग 4-4 घंटे पढ़ाई करके भी 95% बना लेते हैं, क्योंकि सारा खेल माइंडसेट और आपके दिमाग का है। जो स्टूडेंट हमेशा कहते रहते हैं कि मेरे पास समय कम है, ऐसे स्टूडेंट के पास कभी भी पर्याप्त समय नहीं होता है, उनके पास हमेशा समय की कमी होती है, क्योंकि उसने तो दिमाग में पहले से ही बिठा लिया है कि समय नहीं है, फिर चाहे वो कई घंटे मोबाइल में बर्बाद ही क्यों ना कर दे। जो स्टूडेंट हमेशा इस पॉजिटिव थॉट के साथ आगे बढ़ता है कि मेरे पास पर्याप्त से ज्यादा समय है और मैं समय से पहले ही अपने सारे कोर्स, सारी पढ़ाई, सारे काम को खत्म कर लूंगा, वो जरूर ऐसा ही कर लेता है, क्योंकि उसका दिमाग उसके लिए पूरी तरह से एक्टिव होता है, पूरी तरह से तैयार होता है। आप जैसा अपने ब्रेन को ट्रेनिंग देते हैं वैसा ही आपका दिमाग काम करने लगता है। जॉस बिलिंग्स ने कहा है, समय भी धन जैसा है, या हमारे पास जितना कम होता है हम इसका इस्तेमाल उतना ही ज्यादा किफायत से करते हैं। 10 ऐसी पावरफुल बातें जो हर स्टूडेंट को अपने दिमाग में बिठा लेना चाहिए। नंबर 1, घड़ी को ना देखे पर वो करे जो घड़ी करती है, बस चलते रहे बिना रुके, पढ़ते रहो। सोना है तो सो जाओ लेकिन उठकर जरूर पढ़ो। किसी से बात करना है तो 5 मिनट बात कर लो लेकिन फिर से पढ़ाई जरूर करो। 5 मिनट मोबाइल चलाना है तो मोबाइल चला लो लेकिन फिर से पढ़ाई में लग जाओ। नंबर 2, मूर्ख व्यक्ति जो काम अंत में करता है बुद्धिमान व्यक्ति उसे तत्काल कर देता है। दोनों में फर्क सिर्फ समय का है। बुद्धिमान स्टूडेंट वही है जो अपनी आज की पढ़ाई, आज का काम आज ही खत्म कर डाले। कल पर छोड़ोगे तो काम और बढ़ जाएगा, फिर परसों तक काम 4 गुना बढ़ जाएगा। काम जितना बढ़ेगा बोझ उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा, इसलिए आज का काम आज ही खत्म कर डालो, सारा टेंशन खत्म हो जाएगा। नंबर 3, अमीर लोग समय को सीखने पढ़ने में लगाते हैं, चाहे वह समय खाली हो या फिर समय को निकाला गया हो, लेकिन गरीब लोग मेहनत करने के समय को भी टाइम पास करके निकाल देते हैं। आप अपने समय को कभी भी खाली मत जाने दो। आप सोते हुए भी सीख सकते हैं, चलते हुए भी सीख सकते हैं, कुछ काम करते वक्त भी सीख सकते हैं, एनी टाइम कहीं से भी कुछ भी सीख सकते हैं। नंबर 4, यदि आप अपनी परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं तो अलग तरीके से सोचना शुरू करें। जैसे पढ़ने के कई तरीके होते हैं, याद करने के कई तरीके होते हैं, लिखने के भी कई तरीके होते हैं, एंड ऑफ द रिजल्ट बेस्ट होते हैं। तरीके बदलो, इरादे नहीं। नंबर 5, लक्ष्य जितना बड़ा होगा रिजल्ट भी उतना ही बड़ा होगा। कोई 100 में सिर्फ 70 चाहता है पर मुश्किल से 50 या 60 ही ला पाता है, लेकिन जिसका टारगेट 100 में 100 होता है उसका रिजल्ट 99, 96, 98, 95 या 90 होता है। बुरी खबर ये है कि समय उड़ता है, लेकिन अच्छी खबर ये है कि आप ही इसके पायलट हैं। जिंदगी आपकी है, जैसे उड़ाना चाहते हैं, जैसे उड़ना चाहते हैं आप उड़ सकते हैं। खराब पायलट बनोगे तो एक्सीडेंट होगा, फिर किसी और को दोष मत देना। यहाँ तक देखने वालों को मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना। आप लोगों के सपोर्ट और प्यार में इतना दम है कि इस वीडियो में कम से कम 20,000 लाइक जरूर हो जाएंगे। नंबर 6, फारसी में एक कहावत है, सही समय पर पत्थर फेंकना गलत समय पर सोना देने से बेहतर है। अपने दिमाग को समझो कि ये सबसे ज्यादा कौन से टाइम पर एक्टिव और एनर्जेटिक रहता है, उसी टाइम को अपना प्राइम टाइम बना लो और उस टाइम का इस्तेमाल सिर्फ अपने जरूरी काम को करने या पढ़ाई को करने या अपने लक्ष्य के लिए काम करने में लगाओ। नंबर 7, एक और पुरानी कहावत है कि समय की रेत पर अपने कदमों के निशान बैठकर नहीं बनाए जा सकते। आप सिर्फ सोच रहे हैं कि मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैं ये बन जाऊंगा, मैं वो बन जाऊंगा, तो सिर्फ इसी से कुछ नहीं होने वाला है दोस्त। आपके अंदर कुछ बड़ा करने का सोच पैदा हो रहा है तो तुरंत अपने काम में जुट जाओ, अपने कर्मों में जुट जाओ, मतलब अपने दिमाग को उस काम में लगा दो, क्योंकि मेहनत ही सर्वश्रेष्ठ है, नहीं तो बाद में आपका आइडिया खत्म हो जाएगा। इफ यू गिव एक्सक्यूजेस फॉरगेट अबाउट सक्सेस, इफ यू वांट सक्सेस डू नॉट गिव एक्सक्यूजेस, बहाने मत बनाओ सिर्फ कर्म करो। नंबर 8, ऐसे प्रार्थना करें जैसे सब कुछ ईश्वर पर निर्भर करता हो और ऐसे काम करें जैसे सब कुछ आप पर ही निर्भर करता हो। इसका मतलब है कि आप अपने काम में, अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से खो जाओ, पूरी तरह से डूब जाओ। जैसे कि स्वामी विवेकानंद कहते हैं, शिद्दत से मेहनत करो, कामयाबी के चर्चे पूरी दुनिया में होंगे। नंबर 9, केवल वही युद्ध मूल्यवान है जो इंसान अपने साथ करता है। किसी खेल में जीतना आसान है, किसी इंसान के दिल को जीतना भी आसान है, लेकिन अपने आप को जीतना या अपने मन पर काबू करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि इच्छाएं अनेक हैं, हजारों हैं, करोड़ों भी हैं। आप अपने आप को डिसिप्लिन में बांधिए, अपने मन को काबू में खींचिए, दिमाग का इस्तेमाल सही समय पर करना सीखिए,
सब आसान है। नंबर 10, जिग जिगलर कहते हैं कि आप इस पृथ्वी के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी योग्यता का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, आपके अंदर जो काबिलियत है उसका उपयोग आपको ही करना है, कोई दूसरा व्यक्ति आपकी योग्यता का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। आप अपने दिमाग के राजा हैं, आप अपने मन के मालिक हैं, आप जैसा चाहते हैं वैसा आप कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने 10 ऐसी पावरफुल बातें बताई हैं जिससे आप अपने लाइफ को पूरी तरह से बदल सकते हैं। आप अपने समय का, अपने दिमाग का सही से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो कमेंट कीजिए कि सारा खेल दिमाग का है। विश यू ऑल द बेस्ट। दोस्तों, मैं शिवानंद साहू आपके सपनों को दिल से सपोर्ट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।